राजधानी जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग और टोंक रोड के बीच स्थित 205 बीघा के बहुचर्चित मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार के 38 साल पुराने आदेशों की पालना में जेडीए अब अपने स्वामित्व की भूमि का कब्जा लेगा। क्या है पूरा मामला, ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग और टोंक रोड के बीच कैपस्टन मीटर्स और पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन से जुड़ी 205 बीघा बेशकीमती भूमि में से जेडीए ने अपनी स्वामित्व की भूमि पर कब्जा लेने की तैयारी कर ली है। इस 205 बीघा भूमि से टोंक रोड ग्राम मानपुर और ग्राम झालाना डूंगर की खातेदारी, 132.05 बीघा भूमि कैपस्टन मीटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य सरकार को समर्पित कर दी थी। सरकार ने 23 अप्रैल 1965 को यह भूमि कैपस्टन मीटर्स को 99 वर्ष की लीज पर औद्योगिक प्रयोजन के लिए आवंटित कर दी। इससे लगती 73 बीघा 3 बिस्वा सिवाय चक भूमि राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 1965 को औद्योगिक प्रयोजन के लिए 99 वर्ष की लीज पर दे दी। इसमें से 30 एकड़ भूमि कैपस्टन मीटर्स ने जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड को सब लीज पर दे दी। आपको बताते हैं कि जमीन से संबंधित ये मामला आगे किस तरह चला। बाजार नगर से एयरपोर्ट तक भूमि अधिग्रहण के लिए 28 फरवरी 1973 को अधिसूचना जारी हुई। इस अवाप्ति के दायरे में 205 बीघा भूमि का अधिकतर हिस्सा शामिल था। 14 अप्रैल 1986 को सरकार ने 7.5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को देने और 20 एकड़ भूमि नीलामी के लिए जेडीए को देने के लिए भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया गया। 1 मई 1986 को राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालय के लिए 20 एकड़, अस्पताल हार्ट फाउंडेशन के लिए 5 एकड़, वृद्ध लोगों के आवास के लिए 5 एकड़, जेड ड्रिंक्स फैक्ट्री के लिए 18 एकड़, कैपस्टन मीटर्स के लिए 12 एकड़ भूमि अवाप्ति से मुक्त की। 1 और 2 दिसंबर 1987 को सरकार ने 15 एकड़ भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अवाप्ति से मुक्त की। यह मामला प्रदेश की पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय काफी चर्चा में आया था। उस समय कैपस्टन मीटर्स और पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन की ओर से भूमि के 2 हिस्सों के भू उपयोग निर्धारण के लिए जेडीए में आवेदन प्रस्तुत किया गया। जयपुरिया अस्पताल के पास लाल सिंह जूड़ो कॉलोनी में स्थित 7.5 एकड़ भूमि का भू उपयोग निर्धारण के लिए आवेदन किया। पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ने विशिष्ट क्षेत्र से मिश्रित भू उपयोग के लिए जेडीए में आवेदन किया। कैपस्टन मीटर्स और जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की 15 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर ली। 2 दिसंबर 1987 को सरकार ने इस 15 एकड़ भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया। शर्तों के मुताबिक भूमि के मालिक इस भूमि को चैरिटेबल ट्रस्ट को दान में दे देंगे और चैरिटेबल ट्रस्ट इसमें से आधी 7.5 एकड़ भूमि को बेचेगा। शेष 7.5 एकड़ भूमि पर अनाथालय या चिल्ड्रन होम कम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। आधी भूमि बेचने से प्राप्त राशि से इस सेंटर का निर्माण व संचालन किया जाएगा। भूमि का बेचान करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट एक समिति का गठन करेगा। इस समिति में राज्य सरकार व जेडीए के एक एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन शर्तों की अवहेलना करने पर राज्य सरकार तय कानून के तहत कार्रवाई करेगी। 23 जनवरी 2013 को जेडीए ने इसके अनुमोदित नक्शे जारी कर दिए थे। शर्त अनुसार शेष 7.5 एकड़ भूमि बेचान के लिए ट्रस्ट को समिति गठित करनी थी, लेकिन पुष्पा फाउंडेशन ने जेडीए में भू उपयोग निर्धारण के लिए जो आवेदन किया उसमें किसी समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण का हवाला नहीं दिया गया। पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन का यह मामला केवल अवाप्ति से मुक्ति की शर्तें और उनकी अवहेलना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। जिस 7.5 एकड़ भूमि का बेचान करने और भू उपयोग निर्धारण के लिए आवेदन किया, दरअसल यह भूमि खसरा नंबर 177 और 178 में स्थित है। खसरा नंबर 178 की 11,782.78 वर्ग मीटर भूमि राजकीय भूमि के नाम से दर्ज है। मामले में जेडीए ने 9 जून 1999 को सरकार को पत्र लिखा और कहा था कि भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन से नहीं होने से लीज निरस्त की जानी चाहिए। इसमें शामिल सरकारी भूमि का बिना मुआवजा दिए सरकार उसे अधिग्रहित करे। प्रकरण की फाइल 2001 से पहले और नोटशीट 14 अगस्त 2013 से पहले की गुम है। 3 जुलाई 2017 को सरकार ने जेडीए को भूमि का भू उपयोग आवासीय करने के निर्देश दिए।
जेडीए ने सरकार को लिखे पत्र पर सरकार से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। हालांकि भूमि का भू उपयोग आवासीय करने की जेडीए ने कार्रवाई तब नहीं की। पुष्पा फाउंडेशन ने भूमि का भू उपयोग मिश्रित चाहा, जो मास्टर प्लान में संभव नहीं है। मास्टर प्लान 2025 के अनुसार मिश्रित भू उपयोग की नीति निर्धारित की गई है। इसके अनुसार 80 फीट या से चौड़ी सड़कों पर ही मिश्रित भू उपयोग की स्वीकृति दी जा सकती, जबकि प्रकरण की भूमि 60 फीट चौड़ी सड़क पर मौजूद है। जेडीए की भू उपयोग परिवर्तन समिति ने इस भूमि का भू उपयोग मिश्रित करने की सिफारिश की। इसी 205 बीघा भूमि से जुड़े इस दूसरे मामले में कैप्स्टन मीटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम मानुपरा देवरी की 12 एकड़ भूमि का भू उपयोग व्यावसायिक करने के लिए जेडीए में आवेदन किया था। टोंक रोड पर गोपालपुरा फ्लाईओवर से लगती इस 12 एकड़ भूमि का भू उपयोग मौजूदा मास्टर प्लान 2025 में भू उपयोग विशिष्ट क्षेत्र रखा गया है। इस भूमि को सरकार ने अवाप्ती से मुक्त कैप्स्टन मीटर्स फैक्ट्री के लिए किया था। इसमें कहा कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि अवाप्ती से मुक्त की है उसी में उपयोग होगी। महालेखाकार राजस्थान ने वर्ष 2015-2017 का निरीक्षण प्रतिवेदन पेश किया। इस प्रतिवेदन में 472,39,00,000 रुपए की राजस्व हानि का आक्षेप उठाया गया। इसके मुताबिक कैप्स्टन मीटर 73 बीघा भूमि का उपयोग नहीं कर पाती है तो भूमि राज्य सरकार को वापस लेनी चाहिए। इसी आक्षेप की अनुपालना के लिए जिला कलेक्टर ने 29 मई 2018 को जेडीए को पत्र लिखा। मास्टर प्लान में व्यावसायिक उपयोग के प्रावधान के मुताबिक फ्लाईओवर के दोनों तरफ भूमि का भू उपयोग व्यावसायिक नहीं किया जाएगा। मास्टर प्लान के अनुसार यातायात के सफल संचालन के लिए जरूरी है कि जिन सड़कों पर व्यावसायिक भू उपयोग प्रस्तावित है उन सड़कों पर फ्लाईओवर के दोनों तरफ भूमि का व्यावसायिक भू उपयोग प्रतिबंधित रहेगा व नियमन नहीं किया जाएगा। टोंक रोड के दोनों तरफ मास्टर प्लान में भू उपयोग व्यवसायिक प्रस्तावित किया गया है, लेकिन यह गोपालपुरा फ्लाईओवर के एक तरफ है और 10.50 मीटर की सर्विस लेन ही है। जेडीए की भू उपयोग परिवर्तन समिति ने व्यावसायिक भू उपयोग निर्धारित करने की सिफारिश कर दी। भू उपयोग निर्धारण की सिफारिश करते हुए जेडीए ने ये दोनों मामले मंजूरी के लिए राज्य सरकार की राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति को भेज दिए। इस समिति की बैठक में दोनों प्रकरणों को स्थगित कर दिया गया, साथ ही इन दोनों प्रकरणों के विधिक परीक्षण के जेडीए को निर्देश दिए। विधिक परीक्षण के बाद तत्कालीन निदेशक विधि दिनेश गुप्ता ने विधिक राय में इस पूरे मामले में सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस सरकार में ही इस मामले पर पूर्व महाधिवक्ता जीएस बापना से विधिक राय ली गई। इन दोनों विधिक राय के साथ जेडीए ने ये प्रकरण निर्णय के लिए राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति को भेजे। समिति ने फिर से ये प्रकरण जेडीए को लौटा दिए और कहा कि दोनों विधिक राय विरोधाभासी हैं। हाई कोर्ट में लंबित प्रकरण में जेडीए को जवाब पेश करना है। 27 अगस्त को सुनवाई है। हाल ही जेडीए आयुक्त की अध्यक्षता में जेडीए की भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक हुई। बैठक में 205 बीघा भूमि के मामले में विभिन्न तथ्यों पर काफी मंथन किया गया। आवेदित प्रकरणों में भूमि स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं होने, एससी में याचिका लंबित होने, कैक से 472,39,00,000 रुपए की हानि का राजस्व आक्षेप लंबित होने पर फैसले किए गए। 17 अक्टूबर 2022 को जेडीए की भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में इन दोनों प्रकरणों में भू उपयोग निर्धारण करने की सिफारिश की गई थी। समिति की इस बैठक में उस सिफारिश को वापस लेने का फैसला किया गया। बैठक के निर्णय अनुसार राज्य सरकार के अवाप्ती मुक्ति के आदेश 14 अप्रैल 1986, 1 मई 1986 और 1 दिसंबर 1987 के अनुसार पूरी भूमि का डीमार्केशन किया जाएगा। जो भूमि जेडीए सहित जिन संस्थाओं को दी गई, उनके पक्ष में नामांतरण खोला जाएगा। विधि पूर्वक अविलंब कार्रवाई कर जेडीए अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त करेगा। करीब 59 साल पुराने इस मामले में जेडीए ने फैसले किए हैं। इन फैसलों की पालना किस तरह और कितनी हो पाती है यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन यह जरूर है कि इन फैसलों के चलते जेडीए ने इस भूमि पर अपना दावा मजबूत कर दिया है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।